हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 36 ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करेंगे डेमन स्लेयर सीजन 2, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 रिलीज डेट, पबजी एंड जुजुत्सु काइसन कोलैबोरेशन और भी बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमा अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, प्रोमोस एंड मोर। अटैक ऑन टाइटन की ऑफिशियल वेबसाइट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 जनवरी 2022 में रिलीज होने वाला है। पार्ट 2 के एपिसोड 1 का टाइटल है कंडमनेशन। नेटफ्लिक्स ने कुछ महीनों पहले वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज अडैप्टेशन की अनाउंसमेंट की थी, तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने सेम लाइव एक्शन सीरीज के एपिसोड 1 की स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज शेयर किया है। उस पेज से लाइव एक्शन सीरीज का लोगो और एपिसोड 1 का टाइटल रिवील हुआ है। एपिसोड का टाइटल है रोमांस डॉन। मांगा में भी चैप्टर 1 का टाइटल रोमांस डॉन ही है। इसके साथ फ्रंट पेज से ये भी रिवील हुआ है कि एपिसोड 1 में स्क्रीन प्ले का काम मैट ओवेंस और स्टीवन कर रहे हैं और सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं। डेमन स्लेयर सीजन 2 दो पार्ट्स में एयर होगा। फर्स्ट पार्ट इस साल से प्रीमियर होगा और सेकंड पार्ट नेक्स्ट ईयर विंटर में प्रीमियर होगा। ये भी कंफर्म है कि सीजन 2 इस अक्टूबर से स्टार्ट होगा जापान में हर संडे। एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक अनाउंस होनी बाकी है। कॉमेडी एनिमे टीजिंग मास्टर ताकागी सान का थर्ड सीजन और एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई है। सीजन 3 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। मूवी भी 2022 में रिलीज होगी पर अभी तक कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट रिवील नहीं हुई है। सीजन 3 का एक टीजर भी रिलीज हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टू योर इटर्निटी सीजन 1 एंड हो चुका है और इसी के साथ सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सीजन 2 फॉल 2022 में रिलीज होने वाला है। मुशोको टेंसे जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सेकंड कोर का नया ट्रेलर रिलीज हुआ है। सेकंड कोर 4th अक्टूबर से प्रीमियर होने वाला है। द पोकेमॉन कंपनी इंटरनेशनल ने पोकेमॉन फ्रेंचाइज का नया एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इस न्यू प्रोजेक्ट का टाइटल है पोकेमॉन एवोल्यूशन और इसमें 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 9 सितंबर से रिलीज होने वाला है और बाकी एपिसोड का टाइटल और रिलीज डेट आपकी स्क्रीन पर है। सारे एपिसोड्स पोकेमॉन कंपनी इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होंगे। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि काउबॉय बीबॉप लाइव एक्शन सीरीज 19 नवंबर को रिलीज होने वाली है। नेटफ्लिक्स ने स्पाइक, जेट, फे वैलेंटाइन के कैरेक्टर लुक भी शेयर किए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। नेटफ्लिक्स फ्रेंच सीजी फिल्म द समिट ऑफ द गॉड्स 30 नवंबर को वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम करने वाला है इंक्लूडिंग इंडियन रीजन। स्टूडियो मापा का एक न्यू एनिमे डांस डांस डेंजियोर का विजुअल रिलीज हुआ है। एनिमे नेक्स्ट ईयर 2022 में प्रीमियर होगा। ये एनिमे बैले डांस पर फोकस्ड होगा। वर्ल्ड ट्रिगर सीजन 3 का एक की विजुअल रिलीज हुआ है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सीजन 3 9 अक्टूबर से प्रीमियर होना चालू होगा। इसके साथ रेस्टोरेंट टू अनदर वर्ल्ड सीजन 2, किंगडम सीजन 3 पार्ट 2 और स्लो लूप के विजुअल भी रिलीज हुए हैं अलॉन्ग विद द प्रोमोस। सारे प्रोमो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोरियारिटी द पेट्रियट के दो नए ओवीए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं। ओवीए में एनिमे ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है। द डियर किंग द प्रॉमिस जर्नी विद यूना एनिमे मूवी वापस से डिले हो चुकी है और इसकी नई रिलीज डेट अभी तक रिवील नहीं हुई है। मूवी 10 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। लास्ट वीक फ्री द फाइनल स्ट्रोक मूवी पार्ट 1 का फुल ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर से कंफर्म हुआ है कि मूवी एक हफ्ते के लिए डिले हो चुकी है। मूवी अब 17 सितंबर को रिलीज होगी। अल्ट्रामैन सीजन 2 किक ऑफ इवेंट में अनाउंस हुआ है कि सीजन 2 नेक्स्ट स्प्रिंग से नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली स्ट्रीम होगा। अब बात करते हैं कुछ एनिमे के कंफर्म रिलीज डेट्स के बारे में। बाकी हनुमान 30 सितंबर, लेट्स मेक अ मग 2 सीजन 2 1st अक्टूबर, मेगाट्रॉन मुजाशी 1st अक्टूबर, मुते किंग द डांसिंग हीरो 2nd अक्टूबर, मेरुकु चान 3rd अक्टूबर, टेस्ला नोट 3rd अक्टूबर, बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी 3rd अक्टूबर, मूव लव अल्टरनेटिव 6th अक्टूबर, द फार अवे पैलेडिन 9th अक्टूबर, लूपिन द 3rd पार्ट 6 10th अक्टूबर और माय सेनपाई इज अनोइंग 10th अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। इन सारे एनिमे के कंफर्म रिलीज डेट अनाउंसमेंट्स के साथ प्रोमोस भी रिलीज हुए हैं। प्रोमो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लास्ट वीडियो से लेके अभी तक और भी बहुत सारे एनिमे के प्रोमोस और ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, जैसे कि प्लैटिनम एंड 86 सीजन 2, सिंग अ बिट ऑफ हार्मनी और भी बहुत सारे एनिमे के, तो उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स।
3 सितंबर को वन पीस वॉल्यूम 100 पब्लिश हुई है और जापान के एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में ओडा की ड्राइंग्स फीचर्ड है, जिसके कैप्शन में क्लेम किया गया है द स्टोरी इज इन द फाइनल स्टेज। ओडा ने 2020 में बताया था कि वन पीस को और 4-5 साल लग सकते हैं एंड होने में। मेरे अकॉर्डिंग वन पीस वर्ल्ड में अभी भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है, जिन्हें एक्सप्लेन करे बिना मांगा को जल्दी एंड नहीं होना चाहिए। टाइटन कॉमिक्स काउबॉय बीबॉप लाइव एक्शन सीरीज की कॉमिक और प्रीक्वल नॉवेल पब्लिश करने वाली है। कॉमिक बुक सीरीज दिसंबर से पब्लिश होना चालू होगी टोटल 4 इश्यूज में, और प्रीक्वल नॉवेल 23 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है, जिसका टाइटल है काउबॉय बीबॉप अ सिंडिकेट स्टोरी रेड प्लैनेट रिक्वेम। टोई एनिमेशन ने काना ओजावा की मांगा ब्लू थर्मल की एनिमे फिल्म अडैप्टेशन अनाउंस की है। ये फिल्म जापान में मार्च 2022 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का एक टीजर भी रिलीज हुआ है। जंप एसक्यू मांगा ने रिवील किया है कि डेथ नोट और बाकुमान के मांगा आर्टिस्ट ताकेशी ओबाता और नॉवेलिस्ट आकिनारी आसाकुरा एक नई मांगा पब्लिश करने वाले हैं। मांगा का टाइटल है शोहा शोतेन। मांगा 4 अक्टूबर से पब्लिश होने वाली है। चेनसॉ मैन मांगा की नॉवेल अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। नॉवेल का टाइटल है चेनसॉ मैन बडी स्टोरीज। इस नॉवेल में टोटल 3 स्टोरीज है, पावर डेंजी, किशिबे क्वांसी और हिमेनो आकी की, जो मांगा में भी इंक्लूडेड नहीं है। नॉवेल 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है। मॉन्स्टर क्रिएटर नाओकी उरासावा की ऑनगोइंग मांगा आसादोरा इस फॉल से वापस शुरू होने वाली है। हाल ही में द याकुजास गाइड टू बेबीसिटिंग और अंडर निंजा मांगा की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। इन अडैप्टेशंस की बाकी इन्फॉर्मेशन जल्द ही रिलीज हो जाएगी। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। पोकेमॉन यूनाइट गेम ने अपने रोस्टर में ब्लास्टॉइज और ब्लिसी को ऐड किया है 1 सितंबर से, और 22 सितंबर को ये गेम स्मार्टफोन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। जुजुत्सु काइसन और पबजी का एक नया ग्लोबल कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ है, जो जापान और चाइनीज मेनलैंड रीजंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इंडिया का भी कह नहीं सकते, वैसे इंडिया में भी पबजी है, बट BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से है। साउथ कोरियन बेस्ड गेम डेवलपमेंट कंपनी क्राफ्टॉन ने पबजी गेम को इंडिया में BGMI के नाम से रिलॉन्च करा, जो सिर्फ स्पेशली इंडियन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। क्राफ्टॉन एक तरह से पैरेंट कंपनी है पबजी और BGMI दोनों की ही, तो ये कोलैबोरेशन BGMI में भी आने के चांसेस है। ये अपडेट चाहे लेट आए, बट आना तो चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। डेवलपर कैरमल बॉक्स ने अनाउंस किया है ओतोबू को मेडन्स आर फॉलिंग फॉर मी ट्रिंकल स्टार गेम की ओवी अडैप्टेशन होने वाली है। ये ओवी एपिसोड 24 दिसंबर को रिलीज होगा। फाइनल फैंटेसी 4 पिक्सल रीमास्टर गेम 8 सितंबर को रिलीज हो चुकी है स्मार्टफोन और PC के लिए। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। सोनी पिक्चर्स टेलीविजन अपने यूट्यूब चैनल थ्रोबैक टून्स पर मार्वल एनिमे एक्समैन सीरीज ब्लेड और वुल्वराइन स्ट्रीम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सोनी ने अपने चैनल पर और भी बहुत सारे शो स्ट्रीम किए हैं, जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे। तो आप ये थ्रोबैक टून्स चैनल चेकआउट कर सकते हैं। चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनी वन यूट्यूब चैनल अपने अल्ट्रा मेंबर्स के लिए हाईक्यू का सेकेंड सीजन स्ट्रीम कर रहे हैं 1 सितंबर से, और रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए एनी वन प्रिंसेस प्रिंसिपल एनिमे स्ट्रीम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ मूवी, एडन जीरो द इंजेन्यूटी ऑफ हाउस हस्बैंड मिनी सीरीज, कुरोकोस बास्केटबॉल सीजन 3 और मोरियारिटी द पेट्रियट सीजन 1 अब स्ट्रीम कर रहे हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स इंडिया पर डॉक्टर स्टोन सीजन 2 14 सितंबर, बाकी हनुमान सन ऑफ ओगर 30 सितंबर, 7 डेडली सिंस मूवी कर्स्ड बाय लाइट 1 अक्टूबर और पोकेमॉन मूवी सीक्रेट्स ऑफ जंगल 8 अक्टूबर को ऐड होंगे। पोकेमॉन की मूवी सीक्रेट्स ऑफ जंगल हिंदी, इंग्लिश और जापानीज तीनों लैंग्वेज में स्ट्रीम होगी नेटफ्लिक्स पर। और जो लोग अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई रीबिल्ड ऑफ इवांगेलियन मूवीज देखने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि रीबिल्ड ऑफ इवांगेलियन की मूवीज से पहले क्या देखना है क्या नहीं, तो ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, वहां जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं। आपको फ्रेंचाइज का एक ओवरव्यू, वॉच ऑर्डर और रीबिल्ड मूवीज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वाला वीडियो थोड़ा लेट हो गया, आई नो, बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूज एंड अपडेट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो वीप सेंट्रल ऑन बोथ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। ट्विटर पर अब हम थोड़ा एक्टिव है, तो वहां इंस्टा से भी पहले न्यूज मिल जाया करेगी आपको। तो मैं चलती हूँ अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय।